सेकंड. ओके, सो दिस टॉपिक बिलोंग्स टू MCQ 24, बिजनेस एथिक्स एंड CSR. काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और टॉपिक भी की जो रिपोर्टिंग होती है उसके क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उसके बारे में हम ये बात करेंगे आज के लेक्चर में. ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो द क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन डिफरेंट रिपोर्टिंग टूल्स एंड टेक्निक्स. डिफरेंट रिपोर्टिंग टूल्स एंड टेक्निक्स, सबसे पहला जो है यहाँ पे फ्रेमवर्क ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग, एंड उसके बाद है रेटिंग्स एंड इंडाइसेस फॉर कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग. ठीक है, ये तीन चीजें इसमें है, ये तीन चीजें इसमें है और तीन तीनों को हम लोग एक एक करके करने वाले हैं. तो सबसे पहला है फ्रेमवर्क ऑफ रिपोर्टिंग. फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आर इंपॉर्टेंट टूल्स हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप देयर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स. ठीक है, सो फ्रेमवर्क एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक ब्लू प्रिंट है कि किस तरीके से आपको जो है रिपोर्टिंग वगैरह करनी है. ठीक है ना, सो इट्स अ काइंड ऑफ टूल विच हेल्प यू मेक यू नो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क आर, इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क आ जाएंगे. सबसे पहला क्या है, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव विच इज GRI. उसके बाद है सिग्मा प्रोजेक्ट. उसके बाद है DPSIR फ्रेमवर्क, द ग्लोबल कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट CDP इसको कहते हैं, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेस्ट WBCSD, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल GHG प्रोटोकॉल, पोर्ट प्रिंसिपल्स बेस्ड फ्रेमवर्क एंड सेबी फ्रेमवर्क अमंग मेनी अदर्स. ठीक है ना, तो जैसा कि मैंने बताया ये जो है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं आप बता सकते हो जिसके तहत जो है आपको रिपोर्टिंग वगैरह करनी होती है. तो जैसे कि सपोज आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उस बिजनेस में कितना कार्बन एमिशन हो रहा है, अभी के टाइम में कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आपका ये जिम्मा है कि जो भी कार्बन आप फैला रहे हो आपके बिजनेस के कारण, जो कार्बन जो है सोसाइटी में जा रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में जा रहा है, उसका एक ऑडिट वगैरह होता है ना, तो आपको उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है. अब ऑडिट जो बंदा बाहर से चेक करने के लिए आएगा वो तो चेक करेगा ना कि कैसे हो रहा है, तो आप सिर्फ मुंह से बोल दोगे तो ऐसे तो होगा नहीं, आप वो पेपर देखना चाहेगा. तो पेपर जो आप रेडी करोगे, जो रिपोर्टिंग आप रेडी करोगे, वो इन सारे चीजों को ध्यान में रख करके आप करोगे. या फिर आप बोल सकते हो कि ये अलग अलग फ्रेमवर्क है इसको बनाने का. जैसे कि मैं जो अभी कार्बन एमिशन वाली बात बोल रहा था वो आपका ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल में भी दिखाया जा सकता है, एंड एट द सेम टाइम कार्बन को रिलेटेड यहाँ पे कुछ और एक था, समवेयर इट वॉज, ओके ठीक है, नहीं दिख रहा. सो ग्रीन हाउस जो आपका है, ठीक है ना, ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल जो है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है ये कार्बन रिपोर्टिंग के टाइम पे, कि कितना कार्बन एमिशन जो है आपका बिजनेस कर रहा है, आपका फैक्ट्री कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजों को रिपोर्ट करना रहता है जो भी बॉडी आएगी आपसे पूछने के लिए उनको. तो ये यहाँ अब ये सारी चीजें दिखाने के बहुत सारे अलग अलग फ्रेमवर्क हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइप का जो है फ्रेमवर्क दिया जाता है. ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सबको ही ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव कर रहे हैं. GRI फ्रेमवर्क जनरली मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं उनके ऊपर वो लागू होता है. ठीक है ना, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल जो है ये वाला भी उन्हीं के ऊपर लागू होता है एक तरीके से. सो सबका अपना अलग अलग फ्रेमवर्क है और कोई भी अपने हिसाब से उस चीज को जो है रिपोर्ट कर सकता है. दूसरा है स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग. जो आपकी रिपोर्टिंग है उसकी स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए, तो इसका स्टैंडर्ड जो है वो मेंशनड है, बता दिया गया है प्रिंसिपल्स वगैरह कि किस तरीके से आपको बनाना है, क्या क्या चीजें बतानी है, ये सारी चीजें जो है आपको मिल जाएंगी. और स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग में हमको यही सारी चीजें करनी है. सो सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स प्ले अ वाइटल रोल इन फैसिलिटेटिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्क्लोजर. देखो डिस्क्लोजर की बात की जा रही है ना, आपको डिस्क्लोज करना है कि आपका बिजनेस क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है. ठीक है, सो ये एक तरीके से बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है आपको अपने चीजों को डिस्क्लोज करने में, एंड एज अ गाइड टू अडॉप्टिंग यूनिवर्सली एक्सेप्टेड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, है ना. और ये एज ए गाइड भी काम करता है ताकि आप जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड पॉलिसीज हैं, देखो कुछ कुछ पॉलिसीज हम लोग अपनी कंट्री में बनाते हैं, कुछ कुछ पॉलिसीज जो है वो वर्ल्ड वाइड हर एक कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं और सारे बिजनेसेस को वो मानना भी होता है ना. तो यहाँ पे मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ कि वर्ल्ड वाइड जो चीजें एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली जो चीजें एक्सेप्टेड है ना, उन सब चीजों को पूरा करने में, उन सब चीजों को उसके तहत काम करने में जो है स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग एक तरीके से आपको गाइड करता है कि आपको इस तरीके से करना है. ठीक है ना, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन द बिजनेस स्फीयर इंश्योरिंग सस्टेनेबिलिटी होगा. थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है लिखने में प्रॉब्लम हो गई है, बट कोई नहीं. सो वेरियस सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स हैव बीन डेवलप्ड बाय डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज. देखो इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज, यहाँ पे सिर्फ एक गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है जो काम कर रही है, यहाँ पे मल्टीपल गवर्नमेंट की बॉडीज जो है वो साथ में काम कर रही है. जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था GRI, है ना,
ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, तो यहाँ पे कोई एक कंपनी एक कंट्री तो हो नहीं सकती, राइट ना। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है, जो वेरियस सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो डेवलप किए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जिसमें कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज भी होती हैं, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंसल्टिंग फर्म्स भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, एज पर सेक्टर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, एज पर सेक्टर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, जैसा जिस सेक्टर का रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम किया जाएगा। अब एक तरह का फ्रेमवर्क जो है किसी एक पर्टिकुलर तरह के बिजनेस में या फिर उस एक तरह के कैटेगरी में ही फिट हो सकता है, ठीक है ना। तो सेक्टर वाइज वो अलग अलग होता है। देर आर सेवरल सेक्टर्स स्पेसिफिक सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस सेक्टर सच एज टेक्सटाइल, देखो यहाँ पे बताया भी गया है, टेक्सटाइल का सेक्टर का अलग है ना, अपेरल का अलग है, टेक्सटाइल एंड अपेरल तो एक ही साथ आ जाएगा, ऑटोमोबाइल अलग है, एग्रो बिजनेस अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है ना, ये सारी चीजें अलग अलग है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको फ्रेमवर्क भी डिफरेंट डिफरेंट ही डिजाइन करना होता है। सम ऑफ द कॉमन सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स आर AA100, SA800, ISO14001। अब ये आपको, आई डोंट नो, आपने पैकेजिंग तो देखी होगी, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो देखना पैकेजिंग के नीचे में लिखा हुआ रहता है ISO 9001। यहाँ पे 9001 ही मैं स्पेसिफिक बता रहा हूँ क्योंकि वो हम लोग को दिख जाएगा। और ये जो बाकी सारे हैं ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि अलग अलग कंट्रीज में इस्तेमाल होती है ना। सपोज कोई प्रोडक्ट है इंडिया में बन रहा है लेकिन उसका सेल जो है दुबई में कर रहे हैं या किसी और कंट्री में कर रहे हैं, तो वहां पे सिर्फ ISO 9001 दिखाने से नहीं होगा, क्योंकि ISO इंडियन स्टैंडर्ड आपको शो कर रहा है, आपको बाहर की कंपनी भी आपके प्रोडक्ट को चेक करती है, सब कुछ ठीक वो लोग रह पाते हैं तो ही वो लोग आपके प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में अलाउ करते हैं। तो उस केस में वहां पे ASNJ जो है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, इस तरह से जो है ना आपका एक अलग से स्टैंडर्ड जो है क्रिएट करते हैं वो लोग, ठीक है, और उसके बेसिस पे जो है उसको सेल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। द न्यूयॉर्क एक्सचेंज एंड डिलॉयट एंड ISO 2016 100, आई मीन 26,000 अमंग मेनी अदर्स सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स में ऑल्सो बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू देयर नेचर इन टर्म्स ऑफ वॉलंटरी सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स VSS एंड प्राइवेट सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स PSS, ठीक है। तो ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तो ही थोड़ा क्लियर हो पाएगा, मैंने भी लाइक बहुत पहले पढ़ा हुआ है, एग्जैक्टली ये क्या है मुझे नहीं पता एज ऑफ नाउ, बस इतना समझ लो कि ये एक स्टैंडर्ड है जिस स्टैंडर्ड को मेंटेन करके आपको अपने बिजनेस को चलाना है, ठीक है ना, उस स्टैंडर्ड को आपने फॉलो करना है, SOP जो होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उन सब चीजों को आपको फॉलो करना है, तभी आपको ये जो टैग है ना, ये वाला ISO 9001 वाला या जो भी है वो आपको मिल पाएगा, ठीक है ना। सो उसी के तहत आप करोगे तो ही आपको वो टैग मिलेगा, ठीक है ना। सो स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग में वो आ जाएगी। तीसरा पॉइंट है रेटिंग एंड इंडाइसेस फॉर कॉर्पोरेट सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे रेटिंग एंड इंडाइसेस की बात की जा रही है। इंडाइसेस इज लाइक इंडेक्स, जैसे कि आपको पता होगा कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा रैंकिंग क्या है, ग्लोबल किसी और चीज के इंडेक्स में, हंगर इंडेक्स में हमारा रैंकिंग क्या है, तो उसी तरीके से सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के तहत भी हमारा जो है रैंकिंग बनाया जाता है, रेटिंग दिया जाता है, हम लोग को रेट किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ये काम करते हैं, उसमें आपका देखो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है KLD, अच्छा शुरू से कर देता हूँ। देर आर सेवरल रेटिंग्स एंड इंडाइसेस डेवलप्ड बाई वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, सम ऑफ दीज आर KLD, EIRIS, ईरिस बोल सकते हो, सैम है, एशियन सस्टेनेबिलिटी रेटिंग है, ASR है, डाउ जोन सस्टेनेबिलिटी रेटिंग है। डाउ जोन्स क्या है, जैसे हमारे इंडिया में सेंसेक्स चलता है ना शेयर मार्केट में, वैसे ही US में डाउ जोन्स चलता है, ठीक है। सो उसका भी एक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स रेटिंग है। MSCI, ESG इंडाइसेस है, FTSE4 गुड इंडेक्स है, ब्लूमबर्ग का है, ब्लूमबर्ग भी अमेरिकन कंपनी है एक बहुत बड़ी, ब्लूमबर्ग ESG है, डिस्क्लोजर स्कोर्स, ट्रू कोस्ट, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो है आपकी आ जाएंगी जो कि रेटिंग वाला काम करती हैं। ये एंडिंग इसका ठीक से हो नहीं पाया, आई थिंक एक दो लाइनें जो है यहाँ पे रह गई हैं, पर कोई नहीं, यहाँ तक भी अगर आप लिख देते हैं सफिशियंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको बस उन सारे रेटिंग एजेंसीज का नाम लिखना है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, इसी में फुल स्टॉप आप लोग कर देना। सो दैट्स द टॉपिक जहाँ पे हम लोगों ने रिपोर्टिंग के डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में बात किया कि किस तरीके से रिपोर्टिंग की जाती है इन द दिस सिनेरियो जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, इन दिस सब्जेक्ट बिजनेस एथिक्स एंड CSR, आपको इस वाले सब्जेक्ट में यही सारी चीजें बताई जाएंगी कि एक बिजनेस का क्या क्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे निभाता है, तो उसमें रिपोर्टिंग हमारा एक टॉपिक है और रिपोर्टिंग में ये सारी चीजें जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो दैट्स इट, अगला क्लास 10 मिनट में स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इफ यू गाइज आर फ्री, ओके ठीक सर, है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक बाय द वे? नो सर, नो सर। ठीक है, ये टूल्स एंड टेक्निक्स है रिपोर्टिंग का।
ठीक है, बस इतना समझ के रखो, जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो पीडीएफ में है, उसको स्टडी कर लीजिएगा, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड हम लोग 10 मिनट में ज्वाइन करते हैं, फिर वो टॉपिक करने के बाद कुछ और डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके देन गाइस, 10 मिनट बाद। ओके सर।